पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बड़ा सवाल उठाया और पूछा कि आरोपी को कितने समय तक हिरासत में रखा जाना चाहिए। बिना परीक्षण के कर सकते हैं? वह 2 साल 4 महीने से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी मामलों में सजा की दर 60 से 70% है, लेकिन सजा की दर बहुत कम है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से केस का ब्यौरा भी मांगा है। दरअसल पार्थ के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी सही नहीं है। ईडी ने कहा है कि अर्पिता के घर से बरामद पैसे पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और माणिक भट्टाचार्य के हैं। पार्थ चटर्जी के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह गलत है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जमानत पर अपना आदेश जारी करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ पश्चिम बंगाल में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चटर्जी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान चटर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता जमानत की मांग कर रहा है और उसे 23 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इस मामले में 183 गवाह और 4 पूरक अभियोजन शिकायतें हैं। उनकी उम्र 73 साल है। कोर्टे आज के पार्थ चट्टोपाध्याय जमीनेर आवेदन सुनानी चलछे, तो सेइ समय ईडी तरफ थेके एकटा अभियोग आनार चेष्टा होच्छिलो जे एइ अर्थटा जेटा अर्पितार काछ थेके उद्धार होयेछे तार मध्ये पार्थ चट्टोपाध्याय, अर्पिता एबं माणिक भट्टाचार्य एन्ड अप करेछे। किन्तु संगे संगे पार्थ चट्टोपाध्याय जिनि ओखाने छिलेन सिनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, तिनि संगे संगे प्रतिवाद करे बोलेछेन जे माणिक भट्टाचार्य इज अल्सो माई क्लायेंट एवं देयर वाज नेवर नो नेक्सस बिटुईन दिस थ्री এবং এটা 2.5 বছরে কোনো দিন এই কথাটা আসেও না, প্রশ্ন। সুতরাং এই ভেগ একটা কথা এখানে বলবেন, বাট ইট ইজ আনফর্চুনেট দ্যাট মিডিয়া বলছে দ্যাট মুকুল রোহতগী ইজ দ্য লয়ার অফ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, হি ক্লেম দ্যাট দেয়ার ইজ এ নেক্সাস বিটুইন পার্থ, অর্পিতা অ্যান্ড মানিক। ইট ইজ আনফর্চুনেট, দিস ইজ নট দি কোর্ট প্রসিডিংস। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।